गीली टॉवल्स मैं नहाने के बाद सुखाने के लिए डाल दूंगा, और नए टॉवल से कैसे करूंगा, ऐसे जाए जाए। देखा गाइस, मैं कह रही थी रिएक्शन तो यही निकल के आने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। प्रिया सुशील वर्मा। सो जैसा कि आपको पता है कि प्यार भरा मौसम चल रहा है, यानी कि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा कि हस्बैंड ने मुझे ढेर सारे सरप्राइजेस दे रखे हैं, दे दिए हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अब उनकी वाइफ हो गई हूँ, गर्लफ्रेंड से। तो मैंने उनके लिए कुछ प्लान नहीं किया है, बट गाइस ऐसा नहीं है, उनकी वाइफ भी फ्रीलांसर है, और तो इतनी आसानी से नहीं। तो मैंने भी उनके लिए प्लान किया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने कुछ पार्सल्स मंगवाए थे तो वो डिलीवर नहीं हुए थे और कुछ बचे रह गए थे, तो आज वो लास्ट पार्सल आ गया है। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं, कुछ चीज़ें मैंने ऑफलाइन मंगाई है। तो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। उसके बाद शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो सेम ब्लैंकेट, ये वाली, मैं इसके नीचे सारी चीज़ें हाइड कर दूँगी। उसके बाद कुछ प्लान करूँगी, फिर हस्बैंड को सरप्राइज दूँगी। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देखने के लिए। तब तक आप मेरे साथ, मैं जो चीज़ें लाई हूँ उसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। एंड गाइस, मैं भी सारी चीज़ें एक साथ में ही देने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि उन्होंने लास्ट में बताया RT-PCR का, सो कुछ और भी प्लानिंग है, और क्या है अभी मुझे प्लान पता नहीं चला है। मैंने ट्राई किया था कि मुझे बता दें, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं बाद में ही बताऊंगा। सो चलते हैं फिर, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो फर्स्ट चीज जो यहाँ पर पार्सल आया है मेरे पास वो है ये, और इसमें मैंने मंगाए हैं शूज। देखते हैं शूज कैसे हैं गाइस। तो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये मैंने कट लगा दिया क्योंकि मैं अकेले ही व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो कैसे करती यार। इसको निकाल के देखते हैं यार। पार्सल की सारी चीजें ठीक हैं, बट ये बॉक्स की हालत देखिए, मतलब एकदम चिपक गया है इसमें। तो ये रहे शूज, थोड़े से फंकी स्टाइल में मंगाई हूँ, कैजुअल तो नहीं है, ऑफिस वेयर भी नहीं है, बट मुझे अच्छे लगे तो मैंने मंगा लिए। आई होप सो कि हस्बैंड को भी अच्छे लगे। नेक्स्ट थिंग है ये शर्ट, ब्लू कलर की, ब्लू कलर। ये देखो इसमें भी कुछ आ रखा है, ब्लू कलर पता नहीं क्यों लड़कों का इतना फेवरेट होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, शूज अपने मन के मंगाए हैं, शर्ट हस्बैंड के मन की मंगा लेती हूँ। तो ये हो गया ब्लू कलर का शर्ट। नेक्स्ट है, वो मेरे ही मन का है, नेक्स्ट जो शर्ट है ये मेरे पसंद की है यार। एक्चुअली मैंने ना छुपा के इसको एकदम अलमारी में ऐसे 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 करके घुसा के रखा था, क्योंकि आगे पीछे कर करके आ रहा था सामान, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ रखूँ। तो ये एक्चुअली ये कलर ना थोड़ा सा डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ये बहुत सुंदर सा वाला ग्रीन है, ऐसा ग्रीन नहीं है बट बहुत प्यारी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है जीन्स, ये ब्लू में है। एक्चुअली ये डार्क ब्लू शर्ट के साथ में ये जीन्स लेकर आई हूँ। सो ये हो गया एक पेयर जीन्स, एंड ये सेकेंड जीन्स जो कि ब्लैक कलर की है, जो मैंने अभी ग्रीन शर्ट दिखाई उसके साथ में, क्योंकि उसका कलर डार्क है एंड ये ब्लैक है, तो परफेक्ट। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंग इज दिस जैकेट। ये थोड़ा सा ग्रेश कलर में है, हस्बैंड के लिए ली हूँ, डिफरेंट है, देखते हैं कैसा लगता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी वाइफ वाले काम। दिया तो मैंने गिफ्ट है, ठीक है, मतलब जीन्स शर्ट शूज ये गिफ्ट दिया है एज अ गर्लफ्रेंड एज अ वाइफ, बट जो टिपिकल वाइफ वाला गिफ्ट है वो अब मैं बताती हूँ आपको। गिफ्ट भी है, यूजफुल भी है, टॉवल। गाइस कमेंट करके बताना कि टॉवल कौन गिफ्ट करता है, और ये मैंने रियली गिफ्ट करी है। देखिए टैग अभी स्टिल इसमें लगा हुआ है।
ये होते हैं वाइफ वाले काम। और अब ये मैं सारी चीजें ब्लैंकेट के नीचे हाइड करके रखूंगी इवनिंग में जब हस्बैंड आते हैं, और देखते हैं फिर रिएक्शन क्या होता है। और एक चीज और है, वो आप मेरे साथ व्लॉग में आगे बने रहेंगे तो ही देखने को मिलेगा। बाय द वे, शूज पे कैसा है वो, क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा फंकी है, जो ऑरेंजिस कलर है मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने उसको बाय किया है। एंड टॉवल किस किस ने गिफ्ट करी है, अगर कोई लड़की देख रही है या कोई बैचलर भी है जो देख रहा है, गर्लफ्रेंड है, एक बार टॉवल दे के देखो अपने बॉयफ्रेंड को और फिर उसका रिएक्शन देखना। आज मुझे वही रिएक्शन देखना है अपने हस्बैंड का, दैट्स वाई मैं ये टॉवल लेके आई हूँ। और ये भी काफी मतलब सेक्सी कलर में लाई हूँ, मैं सिंपल नहीं लेके आई हूँ कि प्लेन ब्ले हो, आई डोंट नो, आई एम गर्लफ्रेंड बिकम वाइफ, थोड़ा टच होना चाहिए। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मुझे हस्बैंड ने ढेर सारे सरप्राइज दिए थे, तो मैं उसका आई बटन पर लिंक दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। आप ये वीडियो पूरी देखने के बाद उस वीडियो पे जाकर देखिएगा जरूर, और कमेंट करके बताइएगा कि सरप्राइजेस कैसे थे। 8:01 PM गाइज, हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, तो चलिए अब फटाफट से उनका रिएक्शन लेते हैं, लेकिन पहले हाल चाल पूछ लेते हैं। गाइज, ही इज कमिंग। कुछ क्या हो रहा है? नहीं, बस ऐसे ही वीडियो शूट कर मुझे रही लग थी। रहा था कि तुम ब्लॉग ही शूट कर रही होगी। आइए इधर आइए। और हाउ'ज योर डे? मस्त, बढ़िया वाला। बढ़िया वाला। ओ मेरे गोलू गोलू कैसे हो? गोलू वोलू फोन तो मस्त नहीं है? करेगी तुमको अकेले ये नहीं, बिल्कुल नहीं। पकड़ के तुमको ऐसे 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 है? नहीं, मैं बोर नहीं कर रही हूँ। और पानी वानी पी लिया? पानी यार प्यास लगी थी पर अभी नहीं पियेंगे, थोड़ा अच्छा। आराम करने के लिए। नहीं, यहाँ क्या हुआ? नहीं, उठिए तो। पहले वक्त ही बैठता था मैं। नहीं, उठिए, आज कुछ स्पेशल है अच्छा, ये थोड़ी। पूरा बिस्तर ऐसे ऐसे उल्टा सीधा कर दिया है। अरे यार, इधर बैठ इस जाइए। पर बैठ गए? हाँ, उस पर बैठ के। इस हाँ पर क्या हुआ? नहीं, इस पर बैठ जाइए तो मैं बताऊँ। कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, मुझे नहीं, सरप्राइज दे रही हो। आपको कौन सरप्राइज देगा, बैठ टूटी जाइए चुपचाप टूटी चेयर हुई चेयर पे। बैठा दो, उसके बाद मैं दे दूंगा आराम से। हाँ, यही सरप्राइज है, पानी टूटी दे दो चेयर पे मुझे, बैठिए। प्यास लगी अच्छा, है। लीजिए। ये आज का दिन कैसा रहा आपका? बढ़िया, कल का बढ़िया। दिन बहुत बढ़िया था, आज का कैसा? ओके, तो कुछ मैंने प्लान किया आपके लिए। मुझे लग रहा था ऐसा, क्योंकि कुछ सरप्राइज कर रही हो आज। नहीं जब सरप्राइज मैंने, नहीं, मैं आपके लिए? जब मैंने बाइक बाहर खड़ी की हाँ। तभी मुझे लगा कि तुम कैमरा लेके घूम रही हो कहीं में, तभी मुझे ऐसे लगा कि कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हो। इनका सिक्स सेंस। अच्छा मैं उस पर क्यों नहीं बैठा? रोज सवाल वो किस पे लेटता था पहले? हाँ, तो फिर सरप्राइज या गिफ्ट थोड़ा कुछ उधर ही है, मेरी चॉकलेट तो नहीं बिछा सॉरी। दी कल की तरह जैसे मैंने छुपा दी थी? कोई जरूरत नहीं है मुझे, है ना गाइस? पानी वानी पी लीजिए फिर अच्छा उसके देखूं बाद। मैं? हाँ रुकिए रुकिए, पहले मैं कैमरा बैक कर लूँ ना, मुझे आपका रिएक्शन देखना है। कुछ है थोड़ी ना, बिस्तर खराब कर दिया मेरा। हाय राम, जाइए अपना बिस्तर, आप ही रोज जमाते हो, कूद देखिए क्या जाऊं? है। नहीं, कूदिएगा नहीं, चॉकलेट मैं क्यों आपको चॉकलेट देने लगी। रोज तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कचरा है, उधर अपने बेड टहाइए। पुरानी गर्लफ्रेंड? ओ माय गॉड, पुरानी गर्लफ्रेंड है कहाँ, वही है, गर्लफ्रेंड को तो बीवी बना लिए। कल वाले रोज है, नहीं कल वाले रोज है ये। नहीं पूरी और क्या हो सकता है? ब्लैंकेट हटाइए, पूरी नहीं, ब्लैंकेट। और रोज हो सकता है। चल ये तुम्हारा वाला रोज डे, ये मेरा वाला हो गया। यस, अब क्या है? आप एक बार पूरी ब्लैंकेट हटाइए फिर देखिए। वन टू थ्री ओ माय गॉड, ये कब तुमने प्लान किया? लेकिन कर लिया। मेरे साथ गए थे तुम, कुछ ले नहीं थी। हाँ, तो मैं अकेले चली गई, कुछ मैंने ऑनलाइन ये कर क्या है? लिया। दिस इज शूज फॉर यू।
कैसा है ये फिर बताइए। सीरियसली? तुम यही कह रहे थे क्या? हाँ ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। यस, मैं इसीलिए पूछ रही थी ऑरेंज कलर कैसा लगता है, क्या है। एक्चुअली थोड़ा फंकी मैं लेना मुझे चाह लगा रही तो थी। छोटा होगा। मैं तो 10 नंबर पहनता हूँ। यार 10 नंबर टेन ही ही है है, टेन 10 ही है, मुझे आपका साइज पता है। मंगाया था तुमने। कर लिया प्लान। बहुत अच्छा है, थैंक यू। अच्छा यू वेलकम। एक चीज तो समझ में आई, एक जीन्स, ये शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट, नो मुझे ब्लू लाइट। पसंद है, हाँ आपका फेवरेट डार्क कलर है। ब्लू। यस, ये मैं लाइट जीन्स ब्लू के, जो लाइट जीन्स है ना उसके साथ का सेट लाई हूँ, और ये डार्क शर्ट, लाइट शर्ट डार्क वाले के जैकेट साथ, तो मेरे पास ऑलरेडी थी। बट मुझे अच्छी लगी। ग्रे कलर। इसके लिए भी थैंक यू। अच्छा यू ये सब हो वेलकम। गया, ये क्या? थैंक यू। एक छोटी सी हाँ देखिए क्या है। यार, टॉवल कौन देता है? अब गिफ्ट नहीं हुई होगी मैं गर्लफ्रेंड सर्वाइव हो गई हूँ। यार। यार गिफ्ट में टॉवल कौन देता है? मैं देती हूँ। अच्छा इसलिए ना मैं भीगी टॉवल कभी यहाँ फेंक देता हूँ, कभी चेयर पे फेंक देता हूँ। नहीं यार गिफ्ट है ये आपका, उस पर टैग लगा है। मैं ऐसे की बदनाम करने लग ये गई। पुराने वाला टॉवल तो नहीं है? टैग नहीं यार। कहाँ है इसमें? अच्छा सही में तुमने मंगाया है, हाँ अरे वाह। कोई बात नहीं, अब गीली टॉवल्स मैं नहाने के बाद सुखाने के लिए डाल दूंगा, और नए टॉवल से कैसे करूंगा, ऐसे जाए जाए। देखा गाइस, मैं कह रही थी रिएक्शन तो यही निकल के मैं आने पूरा वाला गाना है। नहीं गाऊंगा, कोई मुझे आता नहीं है। बात नहीं, गाने गाइस कंप्लीट कर देंगे। तो कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा। कल वाले रोज हैं, ये भी ले आई हो तुम? तुम्हारा ये मैं लेकर आई हूँ, न्यू फ्रेश रोज फेस दिख है। रहा है मेरे को भी। सब कुछ वाह अकेले गाइस, प्लान कर लिया, वाह। वाह तब गाइस। तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता शादी के है। बाद मेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, असल जरूरत तो शादी के बाद ही पड़ती है। पहले बॉयफ्रेंड थे, जूते और कपड़े मिले, शर्ट मिली, अब टॉवल मिलने लगी। और कोई सरप्राइज तो नहीं है? अब नहीं यार, आरटीपीसीआर का बता दीजिए क्या सरप्राइज आर है। टी पी सी आर पास कुछ तो है, मैं गाइस अभी नहीं लगता है और बताऊंगा। वेट करना पड़ेगा। बता दीजिए। तो गाइस वीडियो को अब यहीं पर करते हैं एंड। मेरा सरप्राइज इतना ही था। हाँ लेकिन आर टी पी सी आर मैं क्यों करा रहा हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि पता चले मैं आर टी पी सी आर क्यों कराने जा रहा हूँ। मुझे कोविड नहीं है, इनको भी नहीं है। गाइस मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।